सबसे पहले आपको आराम से समझना है, सोचना है, फिर आपको लगे अंदर से कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तभी आपको नया CoinDCX का जो फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं CoinDCX ऐप पर और आप क्रिप्टो विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों फैसिलिटी अनेबल करते हैं सो कुछ आपकी जो सर्विसेस हैं वो बंद कर दी जाएंगी। सो आप जल्दीबाजी ना करें, कहीं उतावल में फटाफट से अनेबल कर ले। इसलिए मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर एक जो पॉइंट ऑफ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो सबसे पहले स्टेप है, आपको CoinDCX एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है और मेक श्योर करें कि आपका जो CoinDCX का मोबाइल एप्लीकेशन है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये नोटिफिकेशन ना मिला हो या फिर आपको जो होम स्क्रीन है उस पे भी जो बैनर है वो देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप अपडेट करेंगे तो। हो सकता है कि फिलहाल आपको ना मिले बट आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। और अगर आपको ये दोनों ही ऑप्शन नहीं मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस समझ लीजिए, जब भी आपको मिले तो आपको सोच समझ के हर एक जो स्टेप है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप है आपको CoinDCX का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है, अपडेट कर लीजिए, अगर अपडेट है तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर आपको बेल आइकन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आपको होम स्क्रीन पे भी ऑप्शन मिल जाएगा, मुझे मिला था बट मैंने उस समय जो वीडियो रिकॉर्ड है वो नहीं किया। सो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में एक 21 मार्च का एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा इंट्रोड्यूसिंग क्रिप्टो ट्रांसफर्स, यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू अनेबल क्रिप्टो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा जो कि एक फॉर्म है। सो सबसे पहला पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जहाँ पे ऊपर CoinDCX का लोगो होगा, नीचे लिखा होगा क्रिप्टो ट्रांसफर्स नाउ अवेलेबल ऑन CoinDCX। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे नीचे एक वार्निंग टाइप मैसेज लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा प्लीज रीड केयरफुली बिफोर यू कंसेंट टू अनेबल क्रिप्टो ट्रांसफर एक्सेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फिलहाल जो क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल है वो अनेबल करें, उससे पहले जो भी स्टेप आप फॉलो करने वाले हैं उनको सोच समझ के आप फॉलो करें, अदरवाइज हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ या फिर नीचे यहाँ पे मुझे एक टैब मिलेगा, जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा आपके वॉलेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप अपना जो क्रिप्टो डिपॉजिट है और विड्रॉल है उसको अनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे सेकंड लाइन में लिखा है INR डिपॉजिट मोड्स विल बी डिसेबल्ड फॉर यू। अगर आप क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल चालू करते हैं ना सो आपके वॉलेट में जितने भी पैसे रखे हुए हैं आप उनको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं वो आप CoinDCX में डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे बढ़े, सो अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं क्रिप्टो डिपॉजिट को और विड्रॉल को तो फिर बेनिफिट क्या है भाई, आपने INR भी बंद कर दिया, डिपॉजिट और विड्रॉल भी बंद कर दिया तो फिर फायदा क्या है। फायदा इसमें ये है कि आप यहाँ पे जो क्रिप्टो है आसानी से CoinDCX वॉलेट में जमा कर सकते हैं, अनलिमिटेड जो भी कॉइन्स यहाँ पे सपोर्ट करता है, कितने भी जो अमाउंट का कॉइन है वो आप आसानी से डिपॉजिट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो विड्रॉल आप करने वाले हो ना उसका एक सबसे पहले तो वेरिफिकेशन होगा, बिना वेरिफिकेशन तो कुछ होगा नहीं। सेकंड, आप यहाँ पे पर डे $2500 तक आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो और पूरे साल में $25,000 तक के जो एसेट्स है वो विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो TDS है वो तो आपको पता है, वो तो अप्लाई होता है, तो वो जो भी CoinDCX होगा उसके थ्रू यहाँ पे कंप्लाइन होगा, सो आप ITR जब फाइल रिटर्न करेंगे तो वो आप अपने थ्रू उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो ऑप्शन है उनको अनेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो KYC है वो वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा आप जब भी डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं जो भी सेंडर और रिसीवर होता है उनकी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, वो तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो भी क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहे हो वो कहीं से गलत वे में आए हो और आप अगर किसी को भेज रहे हैं तो वो गलत वे में जा रहे हो। उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो बचता है डू यू वांट टू अनेबल क्रिप्टो ट्रांसफर ऑन योर अकाउंट। सो अगर आप करना चाहते हैं सो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई सेंस नहीं बन रहा है कि भाई मैं क्रिप्टो विड्रॉल कर लूं और मेरा जो INR डिपॉजिट विड्रॉल है वो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे जितना भी ऑलरेडी क्रिप्टो ले जाना था, स्टोर करना था, वो मैं कर चुका हूं। तो फॉर एग्जांपल आपको करना है तो यस करना है, अगर नहीं करना है तो नो करना है। जैसे मैंने नो कर दिया देन मैं सबमिट कर दूंगा, उसके बाद में जो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी वो सबमिट हो जाएगी। सो आप अपना डिसीजन खुद से ले, अगर आपको करना है तो लास्ट में आपको सिर्फ यस करना है और कुछ भी नहीं करना, देन सबमिट करना है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। बट मैं तो आपको बोलूंगा कि बहुत ही सोच समझ के केयरफुल तरीके से डिसीजन ले, क्योंकि आप कहीं क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल के चक्कर में INR की फैसिलिटी को मिस कर दे, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, TDS के भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे आपको। सो टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है
आपको डिसीजन लेना है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कॉइन डीसीएक्स का ये जो नया फीचर है ये कैसा लगा।